हेलो कौन? कराची गए हुए तुझे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? 8 दिन नहीं अम्मी, 3 साल हो गए, 3 साल। हाँ, अब पहचाना। हाँ अम्मी, कैसी हैं आप? जिस बुढ़िया की जवान और खूबसूरत बेटी एक संडे के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो, उस माँ की क्या हालत होगी? अम्मी शमीम अब स्लिम हो गए हैं, स्लिम। हाँ देखिए मैंने उसकी वीडियो फेसबुक पर। अरे वो तो एक ऑडिशन था ना छोटा सा, लड़कियों के डायलॉग पे। एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। एक से एक लड़कों की लाइन लगी पड़ी है तेरे लिए, और तू है कि उस भैंसे के घर में बीन बजा रही है। अम्मी वो जैसे भी है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा अच्छे तो समोसे भी होते हैं, बात तो जब है कि जब वो भी तुम्हें पसंद करे। अब तेरे बाप को रोकना मुश्किल हो गया है, उसने तेरे चाचा के बेटे डब्बू से तेरी बात पक्की कर दी है। अरे मैं कैसे ऐसे किसी डब्बे शब्बे से शादी कर? डब्बू से जो भी है, डब्बू शब्बू, मैंने नहीं करनी शादी वादी किसी से भी। बेटा तू तो अड़ियल है, तेरा बाप रिश्ते में तेरा बाप है, मैं 2 दिन से ज्यादा उसे नहीं रोक सकती। परसों रात तक अगर तूने उस मोटे को मना लिया तो ठीक है, वरना मैं तेरा रिश्ता तय कर दूंगी। सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। दो दिन बाद पता है क्या है पापा? आज फ्राइडे है तो संडे होगा। जी अरे तारीख क्या है? आज 10 है तो फिर 2 दिन बाद 12th होगी। तो 12th को मेरी बर्थडे, हमेशा भूल जाते हैं आप। अबे नहीं नहीं, मुझे तो याद था, मैं देख रहा था तुझे याद है कि नहीं। तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे? अबे बर्थडे है 14 अगस्त नहीं कि जो 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर दूं। मुझे पता है पापा, अब पिछले वाली बर्थडे की जैसे अब केक नहीं लेके आएंगे, अब फिर से डबल रोटी ले आएंगे। अबे यार उस दिन तो हड़ताल थी, बेकरी से जो मिला मैं ले आया, अब तो नहीं होगी ना। और उससे पिछले वाली बर्थडे पे आप तो घर वापस ही नहीं आए थे। अबे यार गलती हो गई। ज़ैनब की बर्थडे पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। पापा इस बार मुझे अच्छा बर्थडे चाहिए, चाहे उस दिन बर्थडे भी शुरू ना हो जाए। वरना मैं कोर्ट में बता दूंगा, मैं बताऊंगा मेरे ख्याल नहीं लगते और कोर्ट मुझे मामा के पास भेज देगा। अबे तेरी धमकी का लेवल कुछ हाई नहीं हो गया? अब मैं बड़ा हो गया हूँ पापा, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मुझे नजर आना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। जमीन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओए अभी नहीं यार, अभी मैं शॉक में हूँ कि मैंने अपना बेटा पाल रहा हूँ या चुलबुल पांडे। जमीन आप क्या कर रहे हैं? मुजम्मिल की बर्थडे आ रही है, गुब्बारे फुला रहा हूँ। वो तो परसों है। तो उसे लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, उसकी बर्थडे सही तरह नहीं मनाता, अपनी माँ के पास जाने की धमकियां दे रहा है, उसे मेरा प्यार नहीं दिखता। जो किताब आंखों के बहुत नजदीक होती है ना, वो दिखाई नहीं देती। तो दूर कर देती किताब। काश ये दूरियां बर्दाश्त हो जाए। वाकई मैं तो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। अच्छा सुनो, मैंने अभी बहुत से गुब्बारे फुलाने, बहुत सी तैयारियां करनी, तुम जाओ अपना काम करो। मैं भी आपके साथ गुब्बारे फुलाती हूँ, फिर हम ब्रेक लेंगे। हाँ पापा जल्दी चलें, स्कूल जाने, इनविटेशन देने। आ रहा हूँ, तुम गुब्बारे फुलाओ। अरे बच्चों आप लोगों को मालूम है कल क्या है? हमें पता है, मुजम्मिल का बर्थडे। काश ऐसे पेपर्स भी याद होते। आप सब इनवाइटेड हैं, लेकिन अगर 1000 रुपए का गिफ्ट आए तो। हाउ रूड। नहीं नहीं आप लोग सब आओ, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेम्स और खाना भी है ना। और जो गिफ्ट नहीं लाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा। अबे इसकी बात छोड़। म
मुझे इनवाइट नहीं करोगे मुजम्मिल? आपकी एज के 24 मिस, ये बर्थडे ना अंडर 24 है। इस तरह तो तेरा पापा भी नहीं आ सकता, नादान कहीं का। असल में सुबह शाम रात या आपके ही गीत गुनगुना रहा होता है। आपका नाम? मिस रुबीना। व्हाट अ लवली नेम। ये आपका स्पेशल इनविटेशन। ओह थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड। माय अंकल आप व्यस्त हो गए। मजा आ रहा है? और फुलाओ बारे। आज वैसे भी मुजम्मिल की मैडम ने आना है। पापा मुझे वो मैडम बिल्कुल नहीं पसंद, आपने उनको क्यों बुलाया? अरे बेटे दूरी से नफरत बढ़ती है और करीब आने से मोहब्बत बढ़ती है। बस पापा रहने दे, जल्दी आए, पूरे घर की सफाई करनी है। शमीम आप मेरे करीब आएंगे, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि मैं 2 साल से इस घर में रह रही हूँ, तो आपको कभी लगा नहीं कि आपको मुझसे रेंट लेना चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तो फैमिली हो, फैमिली से कौन पैसे लेता है? वो असल में ना अम्मी की कॉल आई थी तो वो पूछ रही थी। अरे भाई पूछ रही थी क्या जरूरत है, खुद ही आ जाएं, ऐसी कौन सी बात है, हर बात पे तकल्लुफ। अरे सुन सुन। अच्छा सुनो, बहुत अभी मैंने पूरा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, अभी वो गर्म भी करना है। ये लो दोबारा फुलाओ, मैं आया। सफाई हो गई? हाँ सफाई हो गई, केक रख दिया है, डेकोरेशन थोड़ी देर में करूंगा, और बच्चों के लिए वो जो फिंगर फूड बनाया था वो फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। हाँ हो गया। आप फ्री हैं तो बात करनी है मुझे आपसे। हाँ करो करो, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। एक्चुअली वो सुबह अम्मी की कॉल आई थी, मेरा रिजल्ट अनाउंस हो गया है और अब तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई हैं। पापा बहुत जोर दे रहे हैं मेरा रिश्ता करने पे, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया मुझे तो सिर्फ आप पसंद है। अम्मी ने कहा तुम पागल हो, ना समझो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और ना ही ना समझूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे भी हैं दिल के बहुत साफ हैं, और जिस दिन आपके दिल में मेरी मोहब्बत समा जाएगी ना मुझसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। हर दिन ये सोचती हूँ कि वो दिन जल्दी से आ जाए, और अपने दिन की शुरुआत इसी आरजू से करती हूँ कि वो दिन आज का दिन हो। लेकिन आज भी वो दिन नहीं है। सिर्फ आज तक का टाइम है तेरे पास, 12 बज गए। पापा आपने मेरी बर्थडे दो। Surprise!
डफर, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तू वर्ल्ड वॉर 3 ना करवाए। जो फ्लाय तुझसे मैं बाद में रिपीट करूंगा, जाओ। ये फ्लाय नहीं, 1000 रुपए लाया हूँ। तुम्हारे लिए तो स्पेशल सीट है भाई, बैठो बैठो अंदर जाओ। हजरते अब तेरी टीचर की गाड़ी कौन सी थी? मुझे क्या पता। अबे मैं टैक्सी पे आई हूँ। आप आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट लाना तो मैं भूल ही गई। गिफ्ट की क्या जरूरत है? आप खुद इतना बड़ा तोहफा है। आई आई भैया पापा, इट्स माय बर्थडे। ये इतना सारा डेकोरेशन, ऑल ऑफ दिस? हाँ जी, ये फर्श पे पोचा भी मैंने लगाया था, ये डेकोरेशन भी मैंने की, यहाँ तक कि ये पंखे भी मैंने साफ किए। चलिए मुझे आपसे बात करनी है। रोजी, ये हमारी स्पेशल गेस्ट रूबीना। हाय। हेलो, मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा प्लीज? हाँ श्योर, बाद में बात करते हैं, अभी जरा खास मेहमान आए हुए हैं तो उनको टाइम दे दूं। आई एम सॉरी लेकिन शमीम ने आपका तारुफ नहीं करवाया, आप रोजी असल में मैं यहाँ पर काम करती हूँ। काम वाली और इतनी वेल ड्रेस्ड? हाँ, शमीम ख्याल बहुत रखते हैं ना, इसलिए। हाउ वंडरफुल, शमीम ऐसे ही हैं, दिल के बहुत साफ हैं, काश मैं इनकी वाइफ होती। मजाक कह रही थी, कह रही हूँ। बाय बाय। हाँ बोलो, क्या बात करनी? शमीम मैं जा रही हूँ। बस यही कहना था, घर छोड़कर। बच्चों ने कुछ कहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है ना, कौन सी बात है? मैं तुम्हें कोई जॉब ढूंढ दूंगा। परसों अम्मी की कॉल आई थी, पापा जल्द से जल्द मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। मैंने तो बता दिया था, मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ। अम्मी ने 2 दिन का टाइम दिया था मुझे कि आपको शादी के लिए राजी कर लूं। लेकिन इन दिनों में मैंने रियलाइज कर लिया, ये 2 दिन तो क्या 2 सदियां भी मिल जाए ना मुझे, तब भी मैं आपके दिल में अपने लिए कोई जगह नहीं बना सकती।
ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ इस चीज की वजाहत नहीं है मेरे पास, इसलिए आपसे भी नहीं मांगूंगी कोई भी वजाहत। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप जिस भी लड़की से शादी करेंगे वो आपको मुझसे ज्यादा प्यार करे, ताकि मुझे ये सोच के तसल्ली हो जाए कि शबीब ने मुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी थी। शमी ये है मिस्टर शमी।